राम राम जी, मेरा नाम है पीयूष अग्रवाल और मैं हूँ केसीपीसी बांधनी से। केसीपीसी बांधनी से आप जुड़कर कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ये वीडियो उसी एक पर्टिकुलर मोटिव के हिसाब से बनाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस में अभी अभी उतरे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे कोई वेंडर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा केसीपीसी के बारे में। केसीपीसी हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जिसके अंदर हम लोग राजस्थानी जो लेडीज क्लोथिंग के आइटम होते हैं, जैसे बांधनी की साड़ियाँ, दुपट्टे, लहंगे, पीला चुनरी, ओढ़ने, और ये जो आप कुर्तीज वगैरह खरीदते हैं, ये सब आइटम हम लोग उसमें कवर करते हैं। साड़ी, सूट, दुपट्टे, लहंगे, पीला चुनरी और कुर्तीज, ये 5-6 टाइप के आइटम्स हम लोग उसमें कवर करते हैं। तो आपको ये सभी के सभी आइटम्स एकदम बेस्ट रेट के अंदर हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फर्म खुद का है तो अवेलेबल हो जाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से हमारे पास ज्यादा आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी यदि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो, क्योंकि उसके पीछे का कारण है कि हम लोगों का खुद का एक मार्केटिंग जो हमारा एक होता है वो खुद का ऑनलाइन ही होता है, और हम लोग हमारे जो ऑनलाइन छोटे रीसेलर्स हैं उनके हिसाब से या बुटीक ऑनर्स हैं उनके हिसाब से अच्छी वेरायटी क्रिएट करते हैं और उनको कस्टमर फ्रेंडली सर्विस या फिर आप बोलते हो यूजर फ्रेंडली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो केसीपीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और इसके अलावा हम लोग इन सब जो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, इनसे रिलेटेड जितनी भी आर्ट्स होती हैं, लाइक बांधनी होता है, घटसोला होता है, लहरिया होता है, गोटापत्ती होता है, पटोला होता है, कलमकारी होता है, ये जितने भी टाइप के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं इन सब टाइप के वेरिएशन में हम लोग डील करते हैं, हर टाइप के फेब्रिक में हम लोग डील करते हैं और ये सब आइटम हम लोग बनाते हैं। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस विद केसीपीसी। तो ऑनलाइन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप केसीपीसी के साथ जुड़कर कैसे अपने व्यापार को ग्रो कर सकते हो, उसके लिए हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं केसीपीसी मेंबरशिप या डीलरशिप। केसीपीसी का जो ब्रांड है हमारा, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप डीलरशिप या मेंबरशिप ले सकते हो, जिसके लिए आपको ईयरली एक रेंट देना होता है, ईयरली एक चार्ज लगता है, मेंबरशिप फीस हम लोग उसको बोलते हैं, 1 साल का वो चार्ज होता है और हर 1 अप्रैल को वो रिन्यू होता है, वो आपको लेना होता है। उसके बाद में हम लोग आपको एक हमारा डीलर्स का एक ग्रुप या ब्रॉडकास्ट होता है उसमें ऐड करवा देते हैं, जिसके थ्रू आपको रेगुलर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं उनके बारे में अपडेट्स मिलने लगती है। अपडेट्स जो आपके पास आएंगी वो व्हाट्सएप के थ्रू आएंगी, जो रेट्स वगैरह आएंगी वो मार्केट में कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगी, आपको जो रेट्स मिलेंगी हमारी तरफ से बेस्ट मिलेंगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह एकदम अश्योर्ड रहेगी। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो प्राइसेज हैं जो हम लोग आपको ऑफर करेंगे वो प्राइसेज आपको किसी और मतलब नॉर्मल कस्टमर को नहीं ऑफर की जाएंगी, तो आप अच्छा मार्जिन रखते हुए उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और मतलब प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट की अपडेट्स वगैरह आपको मिलेंगी ये मिलेंगी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, डेली हम लोग ब्रॉडकास्ट या ग्रुप्स में पोस्टिंग डालते हैं, वो जो पोस्टिंग्स होती हैं वो 4-5 भी हो सकती है, कभी कभी हम लोग नया प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करते हैं तो 10 पोस्टिंग्स भी होती है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होती है तो उन प्रोडक्ट की पोस्टिंग्स को रिपीट भी किया जाता है, या फिर आप मान लीजिए डायरेक्ट हमसे कोई चीज़ की इंक्वायरी करते हैं तो वो भी हम पोस्टिंग्स के थ्रू डलवा देते हैं। तो ये सब आइटम्स में हम लोग आपको बेस्ट रेट ऑफर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, व्हाट्सएप ऑनलाइन मार्केटिंग के 3 जो बेसिक मतलब पिलर्स होते हैं उनके ऊपर काम करना होता है, 3 नहीं कहूंगा मैं 4 कहूंगा। पहला तो है फेसबुक, फेसबुक के ऊपर आप सेल कर सकते हो, इंक्वायरी प्रोडक्ट वगैरह डाल सकते हो। दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है यूट्यूब और चौथा है व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह। 4 पिलर्स हैं इस ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग के, इसके ऊपर आप काम कर करके हमारे प्रोडक्ट्स को रीसेल करके अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर आप एक फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी दुकान का नाम रखा, कोई भी नाम मान लीजिए सुनीता क्रिएशन रख लिया, या फिर और कोई नाम आपने दिमाग में आपके चल रहा हो वो नाम आपने रखा, उसका एक फेसबुक पेज क्रिएट किया और डेली जो मैं पोस्टिंग आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर या फोटोज डलवाता हूँ उन पोस्टिंग्स को विथ डिस्क्रिप्शन आप उसके अंदर डाल सकते हो, फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपके पास इंक्वायरीज आती है वहां से आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। ये तो हुआ पहला, फेसबुक पेज के ऊपर आपको कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह डालने हैं। रेट्स वगैरह के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि वहां पर रेट वगैरह क्या डालनी होती है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बात करूंगा फेसबुक पेज के ऊपर आप कैसे काम करोगे। जैसे फेसबुक पेज होता है सेम ही तरीके से इंस्टाग्राम पेज भी होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप अपना एक पेज बना सकते हो, अपने बिजनेस का पेज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बना दिया ABC एंड
एबीसी फैशन बना दिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो एबीसी फैशन का एक पेज आपने इंस्टाग्राम के ऊपर बनाया, उसके ऊपर भी आप रेगुलर जो हम प्रोडक्ट की पोस्टिंग्स वगैरह आपको डाल रहे हैं वो आप पोस्ट कर सकते हो विद डिस्क्रिप्शन। तीसरी जो चीज होगी यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर आप हमारी जो छोटी वीडियोज वगैरह आती हैं, स्मॉल स्मॉल वीडियोज जो प्रोडक्ट की वीडियोज होती हैं जिसमें हमारा किसी किसी का नाम नहीं होता, वो आप पोस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, या नाम वाले भी पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा मार्जिन किसी किसी के ब्रांड के प्रोडक्ट्स में मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप वीडियोज को वहां पर पोस्ट कर सकते हो, उससे भी आपके पास डेली लीड्स वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब के ऊपर भी, वहां से भी आप उनको रिप्लाईज वगैरह कर सकते हो और रिप्लाईज करके आप वहां पर भी ऑर्डर्स बुकिंग कर सकते हो। फोर्थ जो स्टेप्स होती है वो होती है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है, व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन तो आता है आपका फोटोज स्टेटस में लगाने का, दूसरा ऑप्शन आता है आप वीडियोस स्टेटस पे लगा सकते हो, तीसरा आता है आप व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका, ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनको डेली नया नया फोटोज वगैरह भेज सकते हो, और चौथा होता है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करने का। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो कस्टमर्स आपके इंक्वायरीज वगैरह होती है उनको ऐड कर सकते हो, वहां पर भी आप हमारे प्रोडक्ट की पोस्टिंग्स वगैरह डाल सकते हो। तो ऐसे चार जगहों पर यदि आप लगातार अथक प्रयास करते हो, अथक प्रयास में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेहनत लगती है इन सब कामों में, आप रेगुलर रहोगे बिना किसी एक मतलब एक फ्लो मत तोड़िएगा, एक महीने डेढ़ महीने दो महीने तक आप कंटिन्यूसली पोस्टिंग वगैरह करते रहोगे, धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आपके पास इंक्वायरीज बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके पास ऑर्डर्स आने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ, वो है आप मार्जिन कैसे रख सकते हो। देखिए मार्जिन हमारे हिसाब से तो आप अच्छा रख सकते हो क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सुपर होलसेल रेट में आपको अवेलेबल होते हैं आफ्टर मेंबरशिप। मेंबरशिप लेने के बाद में यदि आप हमारे प्रोडक्ट्स को पोस्ट करते हो कहीं भी तो नॉर्मली जैसे 25% से लेकर 75% तक का आप मार्जिन ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एरिया। मतलब एग्जांपल के तौर पर आपका एरिया बहुत ही पॉश है जहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट लेने वाले प्रीमियम रेंज वाले कस्टमर्स हैं, आप बुटीक पर बुटीक के हिसाब से काम करते हो, वहाँ पर आप 75% तक 50% तक 60% तक मार्जिन ऐड कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी खुद की चॉइस है। और इसके अलावा यदि आप कम मतलब जहां पर आपके पास कम रेंज में लेने वाले लोग ज्यादा हैं जिनको थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह का आदत होता है उनके लिए आप कम मार्जिन ऐड करते हुए भी काम कर सकते हो। लाइक एग्जांपल 25% आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, जैसे 800 रुपए का मैंने आपको एक प्रोडक्ट डाला, एक साड़ी डाला, आप उसको 1000 रुपए में वहां पर पोस्ट कर दीजिए तो 1000 रुपए में आप यदि सेल करोगे तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। ये है एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कितना लेकर चल सकते हो। कस्टमर से पेमेंट मंगवाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब और ये सब व्हाट्सएप से मतलब सेट किया अपना अपने बिजनेस का, वैसे ही गूगल पे फोन पे और पेटीएम अकाउंट आपको बनाना रहेगा और साथ में आपको बैंक डिटेल रखनी रहेगी। ये चार डिटेल आप अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड करोगे, उसमें कस्टमर पेमेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपए में आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया तो 1000 रुपए आपको कस्टमर आपके अकाउंट में डलवाएगा, आप हमारे अकाउंट में 800 रुपए डालोगे, आपको 200 रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे आपका बिजनेस धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। ये एक मतलब पेमेंट कैसे आएगा जाएगा उसका स्ट्रक्चर हो गया। एक मैं टिप जरूर से कुछ टिप्स देना चाहूंगा, वो ये है, पहली तो आपको जितने भी प्रोडक्ट की पोस्टिंग्स वगैरह आती हैं उनको रेगुलर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पर डालें, फेसबुक पर डालें और यूट्यूब पर डालें। सबसे पहला काम तो ये आपको करना है क्योंकि यदि आप रेगुलर रहोगे तो आपके पास इंक्वायरीज आने के चांसेस बढ़ेंगे और उनको रिप्लाईज भी टाइम पर करना है। नंबर दूसरा, कस्टमर को जो रेट्स वगैरह आप देते हो, यदि आप एक बार स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए कम मार्जिन में काम करते हुए चलोगे, ऑनलाइन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन के हिसाब से नहीं बताऊंगा मैं कभी भी ये चीज, बट ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से यदि आप कम मार्जिन के ऊपर एक बार काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 रुपया पर प्रोडक्ट पे आपने प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो धीरे 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 आपके कस्टमर्स का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप होता जाता है और उसके बाद में आपका जो कस्टमर है वो आराम से आपसे ऑर्डर्स वगैरह कंटिन्यू करता रहेगा और तब तक आपको भी आदत हो चुकी होगी, आपको भी एक आइडिया लगने लग जाएगा कि आप कितना और ज़्यादा मार्जिन ऐड करते हुए चल सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई टिप है कि आप कम मार्जिन के ऊपर काम करो, दूसरा रेगुलर रहो, तीसरा आपको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस ऐसे वर्ल्ड में ग्रो नहीं किया आज तक जिसने केवल खुद के बारे में सोचा हो, ग्राहक के बारे में नहीं सोचा हो। ग्राहक भगवान होता है हमारा और ये यदि आप अंदर से मानोगे तभी आपके बातों में भी झलकेगा और तभी आपके कस्टमर के साथ जो डीलिंग हो रही है उसमें भी झलकेगा और आपके बिजनेस के अंदर भी झलकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपने ग्राहक ने जो चीज़ मांगी है हमें उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, चाहे आप 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, और उसके साथ कभी चीटिंग ना करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि ग्राहक बेचारा परेशान हो रहा है और हमारी तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं जाता है,
गलतियां हो सकती है, ईमानदारी से बताता हूँ, हमारे बिजनेस में भी बहुत बार मिस्टेक्स होती है हमारे, कई बार हमारी टीममेट्स के थ्रू हो जाती है, कई बार मेरी तरफ से भी हो जाती है, तो गलतियां होती है, गलतियां के लिए तो कभी मना ही नहीं किया जा सकता, बट उन गलतियों को सुधारने के लिए आप कितना प्रयास करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे, अच्छे सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया केसीपीसी के प्रोडक्ट की मेंबरशिप आपको लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद में आपको डेली पोस्टिंग्स अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे डालनी है, फिर उसके बाद में आप उसको मार्जिन ऐड करते हुए सेल कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। धन्यवाद।